खबर जहां पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। बता दें 20 मई को वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 5 दिन पहले पत्नी निर्मल कौर का भी निधन हो चुका है। तो बता दें फ्लाइंग सिख का निधन हो गया है, लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका कहना है कि हमने एक शानदार खिलाड़ी को खो दिया। तो आपको बता दें लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। 5 दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को खोया था और उनका भी 91 साल में निधन हो गया। बताया जा रहा है शुक्रवार रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया है। 91 साल के वो थे। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का भी निधन हुआ था। बताया जा रहा है कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, कोरोना पॉजिटिव वो 20 मई को पाए गए थे और उनका इलाज लगातार जारी था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने एक शानदार खिलाड़ी को खो दिया। मिल्खा ने असंख्य भारतीयों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। मिल्खा के व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बना दिया था। उनके निधन से दुखी। तो पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से शुक्रवार रात निधन हो गया। बताया जा रहा है कि 20 मई को वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो आपको बता दें फ्लाइंग सिख का निधन हो गया है, लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया है। 5 दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को खोया था और कल रात उनका निधन हो गया। तो आपको बता दें मिल्खा सिंह 3 जून को अस्पताल में भर्ती हुए थे, 20 मई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। डॉक्टरों का कहना है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थे और वो 91 साल के थे, जिसके चलते उनका कोरोना से रिकवरी नहीं हो पाई और उनका निधन हो गया। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जून को मिल्खा सिंह से फोन पर बातचीत भी की थी और उनसे स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली थी। पीएम ने कहा था कि मिल्खा टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को आशीर्वाद देने और प्रेरित करने के लिए जल्द ही वापस आएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से कल रात करीब 11:30 बजे उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है 5 दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को भी खोया था। तो आपको बता दें पीएम मोदी ने ट्वीट कर मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि श्री मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया, जिसने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया और अनगिनत भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। उनके प्रेरक व्यक्तित्व ने खुद को लाखों लोगों को प्रिय बनाया। उनके निधन से आहत है। तो आपको बता दें पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। 20 मई को कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और पीएम मोदी ने कहा कि श्री मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। उनके प्रेरक व्यक्तित्व ने खुद को लाखों लोगों का प्रिय बना दिया। उनके निधन से आहत है। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया और मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत ने महान धावक श्री मिल्खा सिंह जी द फ्लाइंग सिख के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है और राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकीले सितारों में से एक रूप में याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के ग्राफ की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 110 नए केस सामने आए हैं। वहीं 28 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। 23 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं मिला। इधर इंदौर में 21 तो भोपाल में 24 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जबलपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ आंकड़ा काफी कम है, 9 मरीज कोरोना संक्रमित नए सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अब 2727 पहुंच गई है और 23 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया है। तो कोरोना संक्रमण प्रदेश में अब काबू में है, लेकिन कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट के आने से एक बार फिर सरकार की सतर्कता बढ़ गई है। आपको बता दें प्रदेश में कोरोना के 2727 एक्टिव केसेस हैं
और डेल्टा वेरिएंट का पहला केस भोपाल के एक बैरसिया में, माफ कीजिएगा, भोपाल के बरखेड़ा में पुष्टि हुई है डेल्टा प्लस वेरिएंट के एक नए मरीज की। और कहीं ना कहीं प्रदेश में अब इसकी भी स्टडी की जा रही है किस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों को ट्रीट किया जाए और किस तरह से इसको बढ़ने से रोका जाए। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपील है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जनता से उन्होंने अपील की है कि हमें सावधानी रखनी होगी और मास्क पहनना होगा, अनलॉक की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। इंदौर और भोपाल के लोगों ने टीकाकरण के कीर्तिमान के लिए उन्होंने बधाई दी है और सभी क्षेत्रों के लोगों से टीकाकरण की अपील की है। नमस्कार, मुझे विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मध्य प्रदेश ने कोरोना के इस दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए जो अथक प्रयास किए थे उस पर हमें जरूर सफलता आज प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी सावधानी हमें जरूर रखनी होगी। मास्क हमें जरूर पहनना होगा, दो गज की दूरी हमें बनानी रखनी होगी और अनलॉक की गाइडलाइन की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। जो कीर्तिमान भोपाल और इंदौर के वासियों ने तय किया है टीकाकरण का, मैं उनको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। और बाकी सारे हमारे क्षेत्रों को मैं विनम्र पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि टीकाकरण के अभियान में पूर्ण रूप से अपना योगदान दें। समय बीतने के साथ ही कोरोना पर आए दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और नई नई जानकारियां सामने भी आ रही हैं। अभी तक देश के कई शहरों में सीवेज लाइन में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई थी, लेकिन नई जानकारी के मुताबिक ऐसा पहली बार है अब प्राकृतिक जल स्रोत में भी कोरोना वायरस का पता चला है। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान है। साबरमती के साथ ही कांकरिया चंदोला झील से लिए गए सैंपल में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इतनी बड़ी संख्या में लिए गए सैंपल के पॉजिटिव आने के बाद वैज्ञानिकों ने असम के गुवाहाटी में भी नदियों के पानी का सैंपल लेकर जांच की। शोध में पता चला है कि असम की भारू नदी से लिए गए सैंपल में कोरोना वायरस मौजूद था। इधर साबरमती में कोरोना वायरस मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नदी के पानी की जांच की मांग उठने लगी है। इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। नर्मदा समेत सभी मुख्य नदियों के पानी की जांच की मांग बीजेपी विधायक ने की है। तो आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना संक्रमण को काबू में पाया जा रहा था, प्रदेश की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नदी के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि होती है तो एक और खतरा सभी प्रदेशवासियों के लिए यहाँ बन जाता है। तो आपको बता दें, बीजेपी विधायक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा और उन्होंने मांग की है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की जांच की जाए। भोपाल से खबर, जहां अगले सप्ताह तक एमपी बोर्ड रिजल्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। सीबीएसई के फॉर्मूले का अध्ययन किया जा रहा है, ऐसा कहना है मंत्री इंदर सिंह परमार का। उन्होंने कहा कि विषय विशेषज्ञ, शिक्षाविद और अधिकारी लगातार इस मामले में चर्चा कर रहे हैं। स्कूल खोलने को लेकर भी लगातार विचार किया जा रहा है। वहीं स्कूलों में एग्जाम फीस वापस नहीं की जाएगी। सीएम राइज योजना से चिन्हित कर स्कूलों को अब विश्व स्तर के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें 350 स्कूलों को चुना गया है। सीबीएसई का रिजल्ट का फार्मूला भी उन्होंने डिक्लेयर किया है। विस्तृत उन्होंने कैसे करेंगे अभी किया नहीं है, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी, हमारी जो कमेटी थी, उन्होंने तैयारी की है और दोनों को मिला करके क्या बेस्ट हो सकता है, बच्चों के साथ न्याय हो जाए, इस प्रकार का फार्मूला हम तैयार करने वाले हैं। फार्मूले पर काफ़ी चर्चा चल रही है। मंत्री समूह की बैठक में हम अगले सप्ताह में उसका निर्णय कर देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से वन टू वन चर्चा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मंत्री विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा, बृजेंद्र सिंह यादव और वित्त मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें, कल उन्होंने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और
मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की, बृजेंद्र यादव से भी उन्होंने कल वन टू वन चर्चा की। तो सीएम की लगातार मंत्रियों के साथ वन टू वन चर्चा जारी है। कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से उन्होंने चर्चा की, वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से भी सीएम ने बातचीत की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पर चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चिकित्सा शिक्षा विभाग और गैस राहत विभाग में आगे कुछ क्या क्लब करना है उसकी पूरी प्लानिंग हुई। विगत दिनों की समीक्षा और उसके साथ साथ अगले दिनों में हमें इन दोनों विभागों के माध्यम से सभी योजनाओं को अंबीजामा पहनाने का पूरा एक कैलेंडर तैयार किया है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की अनुमान विशेषज्ञों द्वारा लगाया जा रहा है। तीसरी लहर में मेडिकल कॉलेजेस में हर स्तर की व्यवस्था हो सके, जहां एक और बिस्तरों को बढ़ाने, आईसीयू बिस्तर बढ़ाने, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के माध्यम से पीआईसीयू के संख्या बढ़ाने, इस पर तो हम काम करेंगे ही। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि हमेशा इस प्रकार से मंत्रियों से, सारे मंत्रीगणों से वन टू वन चर्चा करते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी बात है कि वो सबको बुला करके पाँच पाँच दस दस मिनट जब भी है विचार विमर्श करते हैं, बात करते हैं। आज उसी सिलसिले में आज मेरी भी भेंट हुई है, तो वित्त विभाग से संबंधित तो सारी बात हमारी हुई है कि भाई कमर्शियल डिपार्टमेंट में आबकारी में, पंजीयन में, GST में क्या प्रोग्रेस है और कैसे आई बढ़ाई जा सकती है, और भी डिपार्टमेंट जो वित्त विभाग से संबंधित हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले विभाग हैं जिनसे रेवेन्यू प्राप्त होती है, उन सब विभागों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। और जो प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत जो योजना चल रही है उनको लेकर आपस में ये चर्चा हुई हमारे प्रदेश में, जैसे कोरोना जैसे महामारी लगभग एक साल से ज़्यादा हो चुका है, उसमें थोड़ा सा काम हमारा डिले हुआ है हमारी सरकार का हर योजना। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी जल जीवन मिशन की योजना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी 15 अगस्त 2019 को, 18 कि ये 2024 तक देश के संपूर्ण एक एक गांव में एक घर में हम स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभाग से संबंधित जो योजनाएं चलती हैं या अभी चलने वाली हैं, उन योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से वन टू वन चर्चा हुई है। आप सब जानते हैं कि मैं अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग की मंत्री हूँ, और जो हमारे कमजोर तबके जो लोग हैं इन दोनों वर्गों से, इन्हीं दोनों तबके के लोगों के लिए काम करना है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या है सिंधिया और उनके दौरों का संदेश, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 22 जून को फिर भोपाल आ रहे हैं सिंधिया, जून में ही सिंधिया का दूसरा दौरा, जंबो कार्य समिति का भी पहला मंथन होगा, बढ़ती सक्रियता का क्या इशारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर फिर आ रहे हैं। 22 जून को वो एक बार फिर भोपाल आएंगे, 3 दिनों तक वो अलग अलग शहरों में भी जाएंगे, शिवपुरी, कोलारस और लुकवासा में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, वहीं गुना, अशोकनगर, मुंगावली, सिरोंज में भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पिछली बार 9 जून को वो 3 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर आए थे। सबसे पहले सिंधिया भोपाल आए, यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ उनका लंच था, फिर सीएम शिवराज से मिले थे, इसके बाद रात को डिनर मंत्री गोपाल भार्गव के यहाँ था। पिछली बार सिंधिया के दौरे से ठीक पहले जंबो कार्य समिति का ऐलान हो गया था, जिसमें सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। अपने दौरे के दौरान ग्वालियर में सिंधिया पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के घर भी मिलने गए थे। अब सवाल ये है कि इस बार भी क्या कोई बदलाव होने जा रहा है।
श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, और प्रदेश की राजधानी आना या देश की राजधानी जाना इसके कोई मायने नहीं होते। वो तो निरंतरता बनी रहती है, और वो पूर्व में भी आते रहे, पूर्व में भी सतत अपने संसदीय क्षेत्र में या अन्य जिलों में, जैसे भिंड हो, मुरैना हो, या श्योपुर हो, गुना हो, इस तरह सभी जिलों में वो सदैव जाते रहे, उनकी सक्रियता सदैव बनी रही। वैसे देखा जाए तो इस बार सिंधिया के प्रस्तावित दौरे के दौरान ही जम्बो कार्य समिति की पहली बैठक भी होने जा रही है। 22 जून को 3 दिवसीय दौरे पर सिंधिया MP आ रहे हैं, तो 24 जून को BJP कार्य समिति की बैठक भी होनी है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं भी नजर नहीं आए। अब अचानक सिंधिया जी का मध्य प्रदेश का दौरा चालू हो गया, इसके पीछे कारण भाजपा की कार्य समिति में अपने लोगों को शामिल कराना, और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में असंतोष की बगार चल रही है, निगम मंडल की नियुक्ति की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी इस बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस दबाव की राजनीति कर जिसमें वे माहिर हैं, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में अपने लोगों को पद दिला सके, निगम मंडल में नियुक्ति दिला सके। वैसे सिंधिया जब भी आते हैं तो चर्चा में छाए रहते हैं। पिछली बार का ही जिक्र करें तो उनके आने के साथ ही निगम मंडल में नियुक्तियों के कयास लगाए गए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें भी लगी। BJP के दिग्गजों से सिंधिया की मुलाकात को उनकी छवि से जोड़कर देखा गया, लेकिन यहां एक बात और गौर करने वाली ये भी है कि पिछली बार सिंधिया के दौरे के बाद CM शिवराज दिल्ली रवाना हुए थे, PM मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। एक बार फिर सिंधिया MP आ रहे हैं, लेकिन इस बार शिवराज के दिल्ली दौरे के बाद वो MP में होंगे। तो क्या माना जाए, सिंधिया की सक्रियता के पीछे कोई वजह है या फिर वो सिर्फ कार्यक्रमों में भाग लेने आ रहे हैं? जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंची, जहां उन्होंने बंसल न्यूज संवाददाता अमित द्विवेदी से विश्व योग दिवस, वैक्सीनेशन समेत तमाम विषयों पर खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंची। आइए हम उनसे बात करते हैं। विश्व योग दिवस पर 21 तारीख को पूरे देश में वृहद वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होने जा रहा है, हम उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह का है प्रधानमंत्री जी की ये पहल। 21 जून को जो कि योगा दिवस के रूप में पूरे देश और विदेशों में इस दिन को मनाया जाता है, और योगा दिवस की जो घोषणा जो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ये बहुत अच्छा उनका ऐतिहासिक ये पहल रही है कि जिसके कारण लोगों में योगा के प्रति रुझान बढ़ा है। पहले लोग योगा के बारे में उतना ध्यान या उतनी जानकारी भी नहीं थी, लोगों में जागरूकता नहीं थी। आज COVID-19 के समय सबसे ज़्यादा योगा की ओर ध्यान दिया गया है, प्राणायाम की ओर ध्यान दिया गया है, कि जो लोग रोजाना योगा और प्राणायाम करते हैं उनको उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती, मजबूत रहती है, और कोरोना जैसे ऐसे व्यक्ति को कोरोना अगर हुआ भी है तो वो उस कोरोना से ठीक भी बहुत जल्दी हो गए, उसे कोरोना ने किसी तरह का उसको नुकसान नहीं पहुंचाया और वो स्वस्थ होकर शीघ्र जल्दी वापस भी हो गए। COVID-19 की थर्ड वेव की संभावना बताई जा रही है, लगभग सूत्र बता रहे हैं, मीडिया हाउसेस में इस बात की चर्चा है, तो इस बारे में क्या मैसेज आपकी तरफ से, और आपने पूरे राजभवन में भी सभी लोगों को वैक्सीनेशन किया है, आपने खुद भी करवाया है, तो थर्ड वेव की रोकथाम को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर इस पे क्या मैसेज है? लोगों ने अगर वैक्सीन लगा लिया पूरे लोगों ने तो वो आ भी जाएगा थर्ड वेव, तो लोगों को इतना नुकसान नहीं होगा, उसकी जान नहीं जाएगी, वो सुरक्षित रहेंगे, और जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड वेव से और महामारी से जिस तरह से हम सब लोग बच के निकले हैं और इसमें भी निकल जाएंगे, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोरोना से डरो नहीं, लड़ो। जो भय है जो आपके दिमाग में, वही सबसे बड़ा आप लोगों के लिए खतरनाक है, जितना कोरोना से नहीं। मैंने महसूस किया कि पिछले जब वो हुआ था लोग कोरोना से तो नहीं मरे जितने भय से मरे, भयभीत होकर। इससे डरो नहीं, इससे लड़ो, वैक्सीन लगाओ और अपनी जान बचाओ, यही मेरा उन लोगों के लिए संदेश है। ये थी
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, जिनका साफ कहना है कि कोरोना से डरना नहीं है, हमें लड़ना है, भय से दूर रहना है और वैक्सीनेशन जरूर लगवाना है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। आगे बढ़ते हैं, खबर इंदौर से है, जहां बंगाली चौराहा फ्लाईओवर और बीआरटीएस कॉरिडोर पर प्रस्तावित एलिवेटेड ब्रिज को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ हुई भाजपा नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और भाजपा विधायकों समेत अन्य नेताओं ने पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख नीरज मंडलोई के सामने बंगाली चौराहा फ्लाईओवर की डिजाइन में बदलाव लेकर अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया। अब इन सुझावों को लेकर प्रमुख सचिव विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव से चर्चा करेंगे। हालांकि जिम्मेदारों का कहना है कि आपत्तियों पर सहमति बन गई है, लेकिन फ्लाईओवर कब तक बनेगा इसका किसी के पास सटीक जवाब नहीं है। फिर हम 25 को बैठक करेंगे, इसके पहले मुझे आपके सम्माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी चर्चा करूंगा, और दिक्कत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। और मैं सोचता हूं हमारे गोपाल भार्गव जी इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, वो इंदौर की भावनाओं के, इंदौर की तासीर को समझते हैं। इन दोनों योजनाओं में उनका सोच सकारात्मक होगा और वो भी सोचते विकास और प्रगति में इंदौर जो चाहिए वो देने को तैयार है। लगभग सभी एक मत पर जो भी निर्णय हुए हैं उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि बंगाली चौराहे का पूर्ण करने का समय सीमा जो माननीय मंत्री जी ने दी है उसको तुरंत पूरा करें। जहां तक एलिवेटेड कॉरिडोर का सवाल है, LIG से लेकर नौलखा तक वो अभी शुरुआती दौर पे है और आज हमको बहुत ही उपयोगी सुझाव मिले हैं उसके बारे में जो शहर की भावना को दर्शाते हैं। हम चाहते हैं वहाँ क्लियर ट्रैफिक हो, आने जाने का रास्ता क्लियर हो, कोई एक्सीडेंट के चांसेस न बने, उसको देख के हमारी सबकी भावना है और उस अनुरूप विभाग काम करे। एलिवेटेड ब्रिज को लेकर मूल जो हमारी डिजाइन थी जब उस समय इंदौर विकास प्राधिकरण ने बनाई थी कि इस BRTS को ऊपर शिफ्ट करना, वो हमारी मूल भावना है, वो हमने अवगत करा दिया और उसके साथ साथ हमने भी बोला कि ट्रैफिक सर्वे भी कराया जाए। मध्य प्रदेश BJP के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का मामला सामने आया। साइबर फ्रॉड ने उनके नाम का सहारा लेकर लोगों से पैसों की डिमांड शुरू कर दी थी। लोगों के फोन आने के बाद सुहास भगत को इसका पता चला। उसके बाद BJP कार्यालय हबीबगंज की तरफ से क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई। क्राइम ब्रांच ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया है। इसके बाद मामला जांच के लिए साइबर क्राइम भोपाल को भेज दिया गया। क्राइम ब्रांच ASP गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने क्राइम ब्रांच में एक शिकायत की है। उन्होंने बताया है कि सुहास भगत के नाम पर फर्जी ID बनाई गई है। उनके नाम से किसी व्यक्ति द्वारा लोगों से चैट पर रुपए मांगे जा रहे हैं। बहरहाल क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी हैं, उनको द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि फेसबुक पे एक फर्जी अकाउंट बनाया गया है, तो वो साइबर क्राइम को दी गई थी जांच। साइबर क्राइम के द्वारा प्रारंभिक जांच करने के उपरांत इसमें जो है 419-420 के तहत IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। ये माननीय सुहास भगत जी के नाम पे एक फेसबुक पे फर्जी फेक अकाउंट बनाया गया था और उसमें पैसों की कुछ अनऑथराइज इलीगल डिमांड की जा रही थी, तो वो मामला एकदम संज्ञान में आया था। उस पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया। उसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन किसने बनाया क्या है और जो फेसबुक को सारी जानकारी के लिए हम लोगों ने पत्राचार कर रहे हैं और उसमें आगे जांच की जा रही है। 30 मई को मुंबई के कांदिवली इलाके के हीरा नंदानी हाउसिंग सोसाइटी में 390 लोगों को नकली कोरोना वैक्सीन लगाने वाले गिरोह का एक सदस्य सतना से गिरफ्तार कर लिया गया। सतना GRP को मुंबई पुलिस से इनपुट मिला था कि नकली वैक्सीन लगाने वाला गिरोह का सदस्य ट्रेन से मुंबई से बिहार के लिए निकल चुका है जो सतना होकर गुजरेगी। सूचना मिलते ही सतना GRP ने आरोपी को पकड़ लिया, जिसका नाम मोहम्मद करीम बताया जा रहा है। आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं गिरोह के 4 सदस्य पहले ही पकड़े जा चुके हैं। के अंदर 4 आरोपी को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया गया है। इसमें का एक जो आरोपी है करीम अली, ये जो बंदा था वो जब वाकया होने के बाद अपने गांव लौट रहा था। इसकी जब जानकारी बाकी एक्ट की तरफ से मिली तो हमने तुरंत सतना रेलवे पुलिस के हमारे मित्र हैं उनको हमने ये बताया।
पिता की मौत के बाद जब माली हालत खराब हो गई तो घर की जिम्मेदारी दो बहनों और भाई ने संभाली। फसल की बोनी का समय आ गया, लेकिन सीहोर के नानकपुर में रहने वाले कुशवाहा परिवार इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ना तो उनके पास बैल है, ना ही बखरनी के लिए ट्रैक्टर। सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। बहनों ने बैल की जगह ली तो भाई पीछे से हल चलाने लगा और देखते ही देखते पूरा खेत बिखर गया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और भारत में उसके बुरे प्रभाव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में मोदी टॉप पर हैं। उनकी लोकप्रियता को 100 में से 66% नंबर मिले हैं। इस सर्वे में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के नेताओं को शामिल किया गया था। हालांकि सर्वे में बताया गया है कि पिछले एक साल में मोदी की लोकप्रियता में 20% गिरावट आई है, फिर भी जून की शुरुआत तक 66% लोग मोदी को पसंद करते हैं। सर्वे में भारत के 2126 लोगों को शामिल किया गया था। इसमें 28% लोगों ने मोदी की लोकप्रियता को अस्वीकार भी किया। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, यह हम नहीं कहते, जमाना कहता है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में दुनिया के सारे नेताओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माननीय मोदी जी है। ये हमारे हम सबके लिए, हमारे देश